हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या सबको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैपिंग टास्क कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या कवर करना है। तो आज आपकी तैयारी का यहाँ पर 36वां दिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आज डेट है वो 18 अगस्त। तो आज आपके लिए यहाँ पर एक एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। तो एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, जो आप लोग पढ़ रहे थे तो उसके आगे का आपको पढ़ना है। तो हिस्ट्री क्लास 10 जो आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी बर्ड पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगी। इसका आगे का सेक्शन है वो आपको पढ़ना है, इकाई नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में इसको सेक्शन 3 के नाम से जानते हैं। इसमें दो चैप्टर सिर्फ और सिर्फ दिए रखे हैं, एक आपको यहाँ पर 7वें नंबर का देखने को मिलेगा, एक 8वें नंबर का, यानी कि चैप्टर नंबर, यानी कि लेसन नंबर, या फिर आप लोग जो भी इसको बोलते हैं हिंदी में अध्याय बोलते हैं, वो आपको पढ़ने हैं ये दोनों। ओके, ध्यान रखिएगा इन दोनों को ही आपको सिर्फ पढ़ना है कि स्टोरी की तरह, और आपको इसके नोट्स नहीं बनाने। नोट्स बनाने जिन चीजों के होंगे हम आपको बता दिया करेंगे। ओके, देखिए आपको इतना कम टास्क दिया जाता है, मतलब एक एक दो दो चैप्टर आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं, फिर भी आप लोग आकर के टास्क वाला नहीं देखते। क्लास भी अच्छे खासे लोग ज्वाइन करते हैं, टेस्ट भी सॉल्व कराते तो उसमें तो हद से ज्यादा लोग हो जाते हैं, लेकिन आप लोग टास्क जो आपको खुद से पढ़नी चाहिए जो चीज, वो आप लोग ये टास्क वाली वीडियो कम ही लोग देखते हैं, 8-10 लोगों का ही लाइक आता है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अच्छे से देखा करिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लोग आप नहीं करते हैं। आप लोग कहते हैं कि नहीं, सब कुछ क्लास में देख लेते हैं, बस सफिशियंट सिलेक्शन हो ही जाएगा, शॉर्ट वीडियो देखते हैं उसमें मजा आता ही है हमको बहुत, शॉर्ट वीडियो देख देख करके। हाँ, ऐसे लाल बत्ती की गाड़ी चल रही है, आगे पीछे 4 लोग आपके घूम रहे हैं, तो देखिए उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में से एक यूपीएससी का एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा। आप लोग आकर के इस टास्क को डेली देखा करिए, और आपको ये सारी हैबिट अपने अंदर डालनी पड़ेगी रीडिंग की। ओके, क्लास तो आप लोगों को दी जाती है टोटल, लेकिन उसके अलावा भी हम कहते हैं पढ़ना तो पड़ेगा ही आप लोग के लिए। लिख करके ले लीजिए, कोई भी कोचिंग वाला आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता अगर आप स्वयं से नहीं पढ़ते। वहां पर एक तरह से मार्गदर्शन दे दिया जाता है, तो यहाँ पर भी हम आपको एक तरह से जब क्लास देते हैं तो उसमें एक मार्गदर्शन दे देते हैं, एज अ कोच की भूमिका निभा देते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। ओके, जैसे खिलाड़ी होता है, कोच है वो उसको डायरेक्शन देता है, उसको तरीके सिखाता है, लेकिन क्या खिलाड़ी नहीं खेलेगा तो क्या वो बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। ओके, तो जैसे धोनी को धोनी किसने बनाया? धोनी को धोनी उसकी प्रैक्टिस ने बनाया, उसकी मेहनत ने बनाया, उसके कोच ने नहीं बनाया। कोच तो धोनी के कोच ने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया था। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा, और देखिए पढ़ना तो पड़ेगा साथ में रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो रिवीजन क्या करना है, टास्क नंबर 4 का स्टार्टिंग का 1/3 पार्ट है वो आपको रिवाइज करना है। देखिए जो एनसीईआरटी बड़ी है इसीलिए आपको ये 3 दिनों में रिवाइज करने के लिए दी जाएगी। टास्क नंबर 4 में क्या दिए थे, टास्क नंबर 4 में हम आपको दिए थे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 की आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ये टास्क, तो टास्क इसीलिए आप लोग डेली लिखा करिए कि आज के टास्क में क्या दिया गया है, टास्क नंबर जैसे 12 देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरह से जितने हमने टास्क नंबर 4 में आपको 4-5 बार आपको वीडियो दी होगी, तो वो उसमें से आपको सब कुछ देखना है। ओके, और उसका आपको 1/3 रिविजन करना है। इसके अलावा आज का एडिटोरियल है जो भी न्यूज पेपर होगा उसका आप लोग को रिविजन करना है, और मैपिंग टास्क। आज का मैपिंग टास्क देखने में बहुत छोटा है, लेकिन करने में उतना ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा। देखने में देख करके मैं सोचिएगा आज का टास्क तो बड़ा सरल है, लेकिन आज का दिमाग है वो आपको घुमा देने वाला टास्क आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो एशिया है ना उसका क्लासिफिकेशन एक तरह से किया गया है यहाँ पर। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नॉर्थन एशिया देखने को मिलेगा, सेंट्रल एशिया देखने को मिलेगा, और साउदर्न एशिया आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न एशिया देखने को मिलेगा जिसको मिडिल एशिया के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा आपको ईस्ट एशिया देखने को मिलेगा और साउथ ईस्ट एशिया आपको देखने को मिलेगा। आपको बताना है कि जैसे जो नॉर्थन एशिया है इसमें कौन कौन से देश आते हैं, ये चीज आपको बतानी है। इसी तरह से सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश हैं वो आते हैं वो आपको बताना है। इसी तरह से आपको साउदर्न एशिया है उसमें कौन कौन से देश हैं वो आते हैं वो आपको मैप पर भी लोकेट करना है, और नाम भी लिखने हैं। तो देखिए एक बार हम आपको इस तरह से दिखा देते हैं सिर्फ। देखिए ये आपको साउथ एशिया देखने को मिलेगा, ये सेंट्रल एशिया देखने को मिलेगा, ये वेस्ट एशिया देखने को मिलेगा, और ये आपको साउथ एशिया देखने को मिलेगा, और ये आपको ईस्ट एशिया देखने को मिलेगा, ये साउथ ईस्ट एशिया आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको बताने हैं कि इनमें कौन कौन से देश आते हैं, यूरोप वाला ये भूल जाइएगा। ओके, तो आपको इस तरह से बताना है, तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं आप लोगों को एक बार खोजना है अच्छे से।
ओके, और वर्क तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, और देखिए इसी तरह से आपकी ये सारी एनसीईआरटी के अपन भाई बन हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे से। आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 महीने में सारी की सारी एनसीईआरटी बड़े आराम से आपको कवर कराई जाएंगी। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस भी दी जाती है, आपका एडवांस का भी प्रिपेयर कराया जा रहा है, प्री और मेंस दोनों की क्लासेस हम लोग की यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। आप लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लाइव क्लासेस दो चलती है, एक 3 बजे चलती है, एक और एक 6 बजे चलती है। ओके, इसके अलावा करंट अफेयर की क्लास भी मिलती है संडे को। विजन की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कराई जा रही है आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट है इस तरह से बनी हुई, आप लोग आकर के देख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर एबीएस भी लॉन्च किया है, जाकर के आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी सविस्तार में दी गई है। ओके।